हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी कमाल की सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर WhatsApp का यूज़ करते हैं या फिर Facebook Messenger का यूज़ करते हैं, Instagram का यूज़ करते हैं, इस तरीके की कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने किसी खास फ्रेंड से या फिर अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग के थ्रू बातें करते हैं, तो यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जो मैं आपको सेटिंग बताने वाला हूँ, ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम में आएगी और आपको ये जो सेटिंग है, ये जो ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, जब भी हम हमारे WhatsApp के अंदर, Facebook Messenger के अंदर या फिर Instagram पे कहीं भी कुछ भी चीज़ टाइप करते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा बहुत ही सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से यहाँ पर टाइपिंग होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं आपको जिस सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, अगर आप इस सेटिंग को, इस ट्रिक को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर अप्लाई कर लेते हो, तो यहाँ पर दोस्तों बिना किसी कॉपी कट पेस्ट के आप बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ एक क्लिक में स्टाइलिश फॉन्ट में सामने वाले पर्सन को मैसेज कर पाओगे, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल का दिखाई देता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपने फेसबुक मैसेंजर पर, अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर चैटिंग के थ्रू अगर बात कर रहे हैं तो स्टाइलिश फॉन्ट में बातें करना, तो ये सब कुछ आप किस तरीके से कर सकते हैं और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सब कुछ वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना स्किप करे लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, दबाकर वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे ये जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस घंटी वाले बटन को भी जरूर से दबा दीजिए और ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप एग्जैक्ट उसी टाइम पे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको आपके फ़ोन पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत होगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर कि ये है वो एप्लीकेशन। तो यहां पर पहले मैं ऐसे एप्लीकेशन का आपको यूज़ बता देता हूं, इसमें क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूं। इसके बाद आपको बताऊँगा कैसे और कहाँ से इस ऐप को आप भी अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब आप पहली बार इस एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करेंगे, तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगी, तो एक एक करके ध्यान से सभी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये आपसे बोलेगा सेलेक्ट कीबोर्ड, तो आपको यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है इसको सेलेक्ट कर देना है, अपना जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है उसको चेंज करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये दिखाएगा कि किस तरीके से ये टाइपिंग करेगा। तो अभी आप देखिए, यहाँ पर ये इस तरीके से नॉर्मल टाइप हो रहा है। अब अगर हम कुछ स्टाइलिश टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला हमने फॉन्ट सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से, देखिए हेलो मैंने लिखा, तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्टाइलिश तरीके से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पर अलग अलग फॉन्ट में बातें कर सकते हैं, यहाँ पर चैट कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक और फॉन्ट चेंज करके दिखा देता हूँ, ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर इस तरीके से ये कर्सिव में लिखा हुआ आ रहा है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर आप एक क्लिक में यहाँ पर अपने जो फॉन्ट है को बड़ी ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से स्टाइलिश फॉन्ट में सामने वाले पर्सन से चैटिंग कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं बता देता हूं कि किस तरीके से आप इस एप्लीकेशन को, इस कीबोर्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों, फिलहाल ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे वीडियो का नाम होता है टाइटल, वीडियो के नाम पर टाइटल पर आपको इस तरह से टच करना है। जैसे ही आप यहाँ पर टच करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको नीले कलर की एक लिंक दिखाई देगी, लिखा होगा डाउनलोड ऐप। तो जैसे ही आप इस नीले कलर के लिंक पर टच करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन अभी बताई, इसको डायरेक्टली आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय माता दी।